माता की, भारत माता की, बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की, बर्फानी बाबा की, माता त्रिपुर सुंदरी की, माता त्रिपुर सुंदरी की, शुक्राला माता की, शुक्राला माता की, वंदे वंदे वंदे। केंद्रीय मंत्री और देश की प्रतिष्ठित उधमपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अशोक कौल जी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर डीके मनाल जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री राजीव जसरोटिया जी, सुनील सेठी जी, जिला प्रभारी मुनीश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष गोपाल महाजन जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कठुआ से आए हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज इस पावन धरा को जो हमारे सभी आराध्य देवों के साथ ही ऋषि मुनियों की साधना की पवित्र भूमि है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले उन हुतात्माओं की भूमि है, स्वर्गीय बलदेव सिंह जी की भूमि है, इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कल से ही बासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हुई है। जगत जननी मां भगवती की उपासना का पर्व हमारा यह सनातन समाज वर्ष में दो बार आदिशक्ति मां भगवती की उपासना करता है। याद करिए, ये शक्ति सृजन का अवसर होता है और ये नौ दिन हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए उसी शक्ति को अर्चित करने का एक अवसर है। मैं इस अवसर पर यहां की इन पवित्र स्थलों को माता त्रिपुर सुंदरी के पावन चरणों पर, यहां के शुक्राला माता के श्री चरणों में और माता वैष्णो के इस धाम को कोटि कोटि नमन करता हूं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह को भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो भारत का सिरमौर, भारत का मुकुट हर व्यक्ति गर्व के साथ देखना चाहता है। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो स्वतंत्र भारत के वे नारे एक बार फिर से गूंजते हुए दिखाई देते हैं कि जहां बलिदान, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर यही इन्हीं वादियों में नारे गूंजे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने
इस सपने को साकार करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। और बहनों और भाइयों, 70 वर्षों तक कोई सरकार निर्णय नहीं ले पाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपने चुनाव जिता करके भेजा। मैं जानता हूं 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे, और तब भी जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती थी, बेझिझक एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में बोलते थे कि मैं पहले वहां का नागरिक हूं, धारा 370 समाप्त होनी ही चाहिए और वहां का विकास होना ही चाहिए। और आज मैं बधाई देता हूं आप सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आतंकवाद की इस जड़ को सदैव के लिए समाप्त करके आज कश्मीर में यह साबित कर दिया है कि दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, जो विकास है, आज आप देख रहे होंगे 4 लेन और 6 लेन की एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस का संचालन, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां पर सिंचाई की सुविधा, हर घर नल की योजनाएं, ये सब हो ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पूछिए इन लोगों से, जो लोग इस देश के विभाजन के जिम्मेदार हैं, कांग्रेस से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, आखिर हमारा हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, लेकिन कांग्रेस की सत्ता लिप्सा ने आजादी के एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया। और बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में हमने हमेशा अपना एक धर्म माना, और वह धर्म माना राष्ट्र धर्म। हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। मेरी व्यक्तिगत कोई भी आस्था होगी, कोई भी उपासना विधि होगी, लेकिन अगर वह राष्ट्र के मार्ग में बाधक है, मैं इसको दरकिनार करके रखता हूं और पहले कहता हूं कि मेरा देश रहना चाहिए। मेरे लिए मेरे देश की स्वतंत्रता, मेरे देश की संप्रभुता और इसकी अखंडता सर्वोपरि रखती है। और इसीलिए आज न केवल भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है, अपितु बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अन्य दिनों में, तो आप छोड़िए, भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। कोरोना काल खंड में पहली बार आपने देखा होगा, भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे, यानी दो ऐसे वैक्सीन दिए जो दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी की अचूक दवा है, अचूक दवा। आपने देखा होगा सबसे प्रभावी वैक्सीन भारत ने दी, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट। 140 करोड़ भारतवासियों को भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदान किया। और बहनों और भाइयों, 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा, और अगले 5 वर्ष तक ये राशन की सुविधा फिर से प्राप्त होने वाली है भारतवासियों को। आप सोचो, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा और अगले 5 वर्ष तक मिलना है, और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे बदलते हुए भारत को, ये जो नया भारत है, बहनों और भाइयों, इस नए भारत को आज आप देख रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस भारत में भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी है। दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है,
लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके यहां के आतंकवाद की समस्या का समाधान, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान हो गया। सुरक्षा की बेहतर स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, कई हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसी सौगात आज देश को प्राप्त हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए नए केंद्र बन रहे हैं, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, बेहतरीन माहौल में भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। और यही नहीं, इन सब स्थितियों को ध्यान में रखने के साथ ही गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी नहीं। आप देखते होंगे न केवल जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत के अंदर भी आप देखते होंगे 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को जनधन के अकाउंट खोले गए, 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं, 10 करोड़ परिवारों को फ्री में उज्ज्वला योजना के सिलेंडर के कनेक्शन प्राप्त हुए हैं। बहन और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी बने हैं और 2.5 करोड़ घरों तक पहली बार बिजली पहुंचाने का काम भी हुआ है। इस प्रकार के अनगिनत गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज पिछले 10 वर्ष में उस कैबिनेट ने और उस सरकार ने किए हैं जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, और आपके सांसद उस सरकार के अभिन्न हिस्से हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उस सरकार के हिस्से हैं, वह सरकार आज गरीब कल्याण का कार्य भी कर रही है। और तो और, कितना परिवर्तन आया है। इससे पहले लोग अपने आप को हिंदू बोलने में भी संकोच करते थे, और बहनों और भाइयों, अयोध्या का नाम लेने पे तो लोग डरते थे। मुझे याद है जब मैं 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो मैं अयोध्या चला गया, लोगों ने कहा रे क्या कर रहे हैं, मैंने कहा रे क्यों, कहा कि अयोध्या जाने से आपको मालूम है तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो क्या मैं अपनी आस्था के साथ और जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर दूं क्या, ये वोट बैंक के लिए नहीं हो सकता है। हमने कहा अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के आयोजन की तैयारी करो। और बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार बनती है तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त हो जाता है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना, क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती क्या? बहन और भाइयों, कांग्रेस ने तो कहा था कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। बहन और भाइयों, कैसे इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था, राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके
हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया था, लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण न केवल हो गया है, बल्कि आज आप अयोध्या जाएंगे आपको आज परिवर्तन देखने को मिलेगा। अयोध्या में, अयोध्या में लगेगा जैसे त्रेता युग का अयोध्या यहां उतर आया है, साक्षात उतर आया है। जब अच्छी सरकार आती है तो यही होता है, अच्छी सरकार आती है यही होता है। काशी में आप जाइए, काशी विश्वनाथ धाम बन गया है। लोग बोलते थे काशी विश्वनाथ धाम संकरी गली थी, बामुश्किल 5 लोग जा पाते थे, आज 50,000 श्रद्धालु भी एक समय वहां आ जाए मंदिर परिसर में, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, यह कार्य भी आज देखने को मिल रहा है। नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था, जीविका की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, यह कार्य भी आज देश के अंदर बखूबी आगे बढ़ रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, हमें सुरक्षा भी करनी है और देश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक भी लेके चलना है। इस पर जो कार्य वर्तमान में हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, पूरा देश इस बात को जानता है। आपने देखा होगा ये देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे, देश उत्साह के साथ जुड़ा हुआ था और उत्साह को और दुगना कर दिया था जब जो ब्रिटेन लगभग 200 वर्षों तक जिस भारत पे शासन किया था उस ब्रिटेन को पछाड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और आज तो हम इसीलिए आए हैं, बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास अपनी बात कहने के लिए, कोई जाति की बात कहेगा, कोई क्षेत्र की बात करेगा, कोई भाषा की बात करेगा, कोई किसी अन्य बात की बात करेगा, हमें किसी बात में नहीं पूछना है, बहुत खोया है। अब पाने का समय आया है, अपने देश को मजबूत करने का समय आया है, कठुआ को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके अपने वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए उज्ज्वल भविष्य देना है। और इसके लिए आवश्यक है जो कार्य यहां पे पिछले 10 वर्ष के अंदर, मैं सचमुच चौंका था जब मैं ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहा था यहां का विकास किस तरीके से, कोई सोचता था यहां भी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, यहां भी मेडिकल कॉलेज बनेंगे, यहां पे प्रौद्योगिकी संस्थान बनेंगे, यहां पे कुछ अच्छे सेंटर स्थापित होंगे। जम्मू कश्मीर को तो लोगों ने लावारिस छोड़ दिया था, भगवान भरोसे छोड़ दिया था, देश को इन्होंने किस प्रकार का व्यवहार देश के साथ किया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेसियों के व्यवहार पर कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरे देश को अपनी पपोती समझ करके उसको जब देश के ऊपर संकट आता था ये लोग देश छोड़ करके भाग जाते थे। किसी भी समय में आपने देखा होगा या डोडा का नरसंहार किसने नहीं देखा था, लेकिन बहनों और भाइयों अब हमारे पास वक्त आया है, पिछले 10 वर्ष में जो कार्य किया है उसके परिणाम को हमें और बेहतर तरीके से सामने लेकर के आना है। और इसके लिए तीसरी बार मोदी जी ने आपसे कार्यकाल मांगा है।